रिजल्ट आया है इलेक्शंस का, कितनी आपके जो उम्मीदें थी उससे पर? देखो, जो लोगों का माहौल देख के और जो रिस्पांस देख के तो कहीं भी लग रहा था कि क्लोज फिनिश होगी, तो पर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो भी हुआ है तो तुम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस मौके में तो तुम बधाई दे सकते हो उनको, क्योंकि इतनी मेजॉरिटी से जो जीत हुई है तो उसमें तुम इसमें से उनका जीत का सेहरा जो है वो मैं नहीं समझती कि उसको मैं स्पॉइल करना चाहती हूँ. तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिन्होंने मेहनत की और अपना अपना एरिया को जिताया. मैम, सिद्धू साहब और कैप्टन साहब के बीच में एक शब्दी वार चल रहा है. कैप्टन साहब ने बयान दिया है कि बठिंडा की सीट नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हारी गई. देखो, वो ग्राउंड लेवल पे सबका पता चल जाएगा. वो तब 1.5-2 लाख पे हारी हुई थी, जो 20,000 का जो फर्क आया है वो इसीलिए आया है कि सिद्धू साहब गए और वो रैलीज का रिकॉर्ड, क्योंकि देखो हर चीज़ रिकॉर्ड में होती है, उसको ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं होता. जो रिस्पॉन्स सिद्धू साहब के जाने से पहले था और वो जो है वो हाईकमांड को भी पता था और दिल्ली से स्पेशल उनको ले जाया गया कि वो सीट बुरी तरह हार रही है. आप वो उनका अपना पार्टी का जो ऑल इंडिया लेवल का है वो उनका सर्वे बोल रहा था कि ये बुरी तरह से हारी हुई सीट है, सिर्फ नवजोत के जाने से शायद जीत सकती है. तो उन्होंने किसी को भी कमेंट नहीं किया. मुझे समझ नहीं आ रही कि लोगों को मिर्चें क्यों लड़ रही हैं. कमेंट सिर्फ इतना सा था कि जो लोग पार्टी में रह के दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं वो सावधान हो जाएं, एक साइडेड चलो, अपने पार्टी के लिए सिंसियर होना चाहिए. अपनी पार्टी में रह के जो अकाली दल को सपोर्ट करते हैं उनको कांग्रेस पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं है. तो मुझे समझ नहीं आया इसमें क्या गलत बात हो गई. पंजाब की सारी कैबिनेट नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, उसके बारे में जी नहीं, बहुत सारे MLAs और बहुत सारे मिनिस्टर्स साथ हैं इसमें. ये कोई वो नहीं होता कि तुम किसके साथ हो. एक रूलिंग तुम्हारे CM होते हैं और एक प्रेरोगेटिव होता है सारे मिनिस्टर्स का कि यस मैंस तो उनको बनना होता है, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी को जब प्लेस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि लोकल बॉडीज को 6.5 नंबर मिले थे जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने आई थिंक शायद कोई ईयर का सर्वे कराया था, और वो CM से भी ज़्यादा थे. और लोकल बॉडीज के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि लोकल बॉडीज़ ने हर डिस्ट्रिक्ट और कमेटी को कितने पैसे भेजे, और अमृत के पैसे जो सालों साल से कोई नहीं लेके गया, नवजोत सिद्धू जी गए और लेके आए. अगर पुल पास कराए या स्पोर्ट्स पार्क पास कराया तो सबको पता है कि सिद्धू जी की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी हर इलाके में. पटियाला में 1,000 करोड़ दिया गया तो फिर उसकी जीत का सेहरा नवजोत सिद्धू को नहीं जाता, तो वो लोकल बॉडी से नहीं किया हुआ. मेयर आपने बनाए, आपने चुनके बनाए, किसके लोकल बॉडीज को कोई बाहर से पैसा नहीं आता. अमृत का नवजोत लेके आए सेंटर से, और अकेले उनका काम था जो इतनी बार गए लेके आए. जो सीवरेज बोर्ड और अमृत के नीचे था स्मार्ट सिटीज का पैसा नवजोत लेके आए, अमृत के नीचे लेके आए, इक्वली डिवाइड किया और हर जगह जगह जाके 300-400 करोड़ दिया. अब वो नीचे ग्राउंड लेवल पे जो तुम्हारे ऑफिशियल्स हैं या तुम्हारे MLAs हैं वो कितना ग्राउंड लेवल पे खड़ के काम करा रहे हैं, ये तुम्हारे विक्ट्री और डिफीट के बीच में फ़र्क होता है. जब नवजोत सिद्धू जलंधर गए और उन्होंने देखा कि जो पैसा दिया गया वो पैलियों में डल रहा है, वहाँ पे सीवरेज और वो डल रहा है, तो MLA ने प्रोटेस्ट किया, तब तो CM साहब कुछ नहीं बोले. तो हमारा क्या वो था कि अल्टीमेटली सारी पार्टी की रिफ्लेक्शन आती है तुम्हारा काम, जो पैसे तुमने भेजे हैं, और वो लिस्ट हम बड़ी जल्दी सबको दे देंगे कि लोकल बॉडीज़ ने कितने पैसे हर कमिटीज़ और उसको रिलीज़ किए, जबकि लोकल बॉडीज ऑटोनॉमस बॉडी है. मेयर सारे CM साहब के पर्सनली सेलेक्टेड मेयर हैं, जो ऑफिशियल्स लगते हैं CM हाउस से लगते हैं,
और वो जो परफॉर्मेंस देते हैं उस बेसिस पे होती है कि तुम अपने शहर से कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो और कितना काम कर रहे हो। नवजोत सिद्धू झाड़ू तो चेक नहीं करेगा कि जो सफाई वाले बंदे हैं वो रोस्टर पे आधे लिखे हुए हैं और आधे हवा में हैं और वो सफाई वाला क्यों नहीं हो रहा। या सिंगल टेंडर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको तोड़ने की कोशिश की कि जब तक क्वालिटी बेस्ड काम नहीं करेंगे जो मनी के साथ रिलेटेड होगा। पहली बार लोकल बॉडीज में हुआ है कि 40 माइनस वाले टेंडर नहीं लगे। उसका मतलब क्या होता था कि जो काम हम कह रहे हैं 1 करोड़ में होगा कोई बाहर का बंदा 60 लाख में कैसे कर देगा, इसका मतलब वो गलत काम करेगा। तो उसलिए ज़रूरी था कि क्वालिटी बेस्ड टेंडर्स लगे। तुम सिंगल टेंडर कभी भी किसी को नहीं दे सकते, उसमें बहुत करप्शन के चांसेस होते हैं। जो ये कहते हैं कि स्पीड स्लो, जब तक 3 टेंडर नहीं आते, किताबों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स में लिखा हुआ है कि तुम सिंगल बॉडी टेंडर, सिंगल बंदे को टेंडर नहीं दे सकते क्योंकि उससे सिफारिशें और वो आती हैं, उसमें उसका कसूर नहीं होता। वो आपने जो है पूरा परफॉर्मेंस 2 साल की पहले भी दी है, अब भी दे देगा और ये नंबर 1 डिपार्टमेंट था और नंबर 1 ही रहेगा। इसमें बहुत सारी ई गवर्नेंस की आ रही हैं, पर आपको समझना चाहिए जब ई गवर्नेंस आती है तो सालों सालों की जो कमीशंस और करप्शन है उसको रोकने के लिए ई गवर्नेंस आती है। तो उसमें कोई भी ऑफिशियल इतनी जल्दी तैयार नहीं होता उसको फॉलो ऑन करने में, जो अल्टीमेटली अब प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना या जो CLUs करने या जो तुम ये बिल्डिंग्स के पैसे कलेक्ट करते हो, नक्शों के पैसे कलेक्ट करते हो, ये किसका काम है? ये ऑफिशियल्स और मेयर साहब और कॉरपोरेशन का काम है। अब नवजोत सिद्धू सारी कॉरपोरेशन में बैठ के खुद तो उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर सकता, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो वहाँ उनके चुने हुए मेयर, उनके चुने हुए ऑफिशियल्स जो काम कर रहे हैं। तो उनको पूछे ना कि शहर में इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उनके नक्शे पास होने के पैसे कहाँ गए, क्योंकि वो पैसे तो उन्होंने कलेक्ट करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में लगाने होते हैं। सिद्धू को सेंटर से पैसे लाके जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किए उसके पास लिस्ट है, उसने 200-300 करोड़ जहाँ पे डिवाइड करके पूरी लिस्ट में सीवरेज और वाटर सप्लाई का दिया, अमृत का दिया, तो वो सीएम साहब के सामने लिस्ट और सबके सामने पेश कर देंगे कि इतना इतना पैसा दिया। अब उसके बाद लगा क्यों नहीं, लगाया क्यों नहीं या कहाँ पे लगाया वो तो वो लोग एक्सप्लेन करेंगे ना, जहाँ पे नीचे बैठे हैं लोग। इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर जो रिजल्ट है उनके हिसाब से नहीं आते तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता ये वाला उनका कमेंट था कि उनके हिसाब से नहीं आता, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा, और अगर उन्होंने कहा है तो उसका जवाब वो खुद ही देंगे। मैम कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि सिद्धू ने पंजाब सहित कई जगह पार्टी को नुकसान पहुँचाया, या तो पंजाब में सिद्धू रहेगा या फिर वह रहेंगे, और अगर ज़रूरी है तो सिद्धू को दिल्ली की सारी कमान दे दें, इसके बारे में? देखो वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है और वो पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है। नवजोत सिद्धू ने हमेशा पंजाब के लिए काम किया है, पंजाब के लिए ही काम करेगा और करता रहेगा, और पार्टी हाईकमान उसको जो कहेगी वो ही करेगा और पार्टी के हित में करेगा और उन लोगों का साथ कभी नहीं देगा जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ करते हैं और पंजाब के लोगों के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज़ बना है, और जहाँ कहीं गलत होगा उसकी आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई MLA हो, चाहे कोई ऑफिशियल हो, उसका बुरा लगे तो ना कभी गुरेज किया है ना करेंगे। धर्मसोट को बड़ी तकलीफ हो रही थी नाभे में, उसको पूछो कि उसके जो काम किए हुए हैं, बड़ा बोल रहा था ना कि मंत्री का, वो कितना पैसा वहाँ पे गया और कितना काम उसने कराया पूरी कांग्रेस नाभे की। अगर रणदीप वहाँ पे ना जाता ना तो वहाँ पे हाल देख लेते नाभा में क्या होता। पूरी नाभा की कांग्रेस ने
धर्मवीर गांधी को सपोर्ट कह दी थी कि दो दिन पहले कि हम सपोर्ट उसको करेंगे क्योंकि हम इस मंत्री से बुरी तरह खफा हैं। नाभे की कॉरपोरेशन में या कमेटी में एक बंदा भी काम करना नहीं चाहता, वहाँ पे जिस बंदे की पोस्टिंग करो वो वापस आ जाता है रोते रोते कि धर्मसोट की इतनी गंदी इंटरफेरेंस है वहाँ पे। और मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि हर जगह जहाँ पे जितने पैसे दिए हैं उसका हिसाब चले जाएगा। जो ईमानदार लीडर हैं जिन्होंने काम किया, अब आपने देखा अमृतसर के सारे MLA को पैसे गए, उन्होंने पैसे लगाए, सारे जीते। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर MLA इंटरेस्टेड है और उसके साथ उसके बंदे इंटरेस्टेड हैं और वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो चाहे हिंदुस्तान में मोदी वेव थी पर अमृतसर साहब में, जबकि यहाँ पे कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रांग थे। मैं हरदीप पुरी को कभी भी लाइट कैंडिडेट नहीं मानती थी, और एक पढ़ा लिखा बहुत ही निहायती शरीफ ईमानदार इंसान और एक यूनियन मिनिस्टर रह चुका हो, वो कोई वीक कैंडिडेट नहीं था। पर क्योंकि यहाँ के MLAs ने, लोकल MLAs ने जो पैसे आए उनको प्रॉपरली स्पेंड किया, लोगों के काम किए, लोग उस पर वोट डालते हैं।